अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम मॉड्यूलेशन और टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन को देखेंगे कि मॉड्यूलेशन क्यों यूज़ की जाती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस ये होते हैं कि हमें सबसे पहले क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन होती है, मतलब जो आप जैसे यहाँ से बोल रहा हूँ, आप जो रिसीव कर रहे हैं वो आपकी क्वालिटी जो है वो एग्जैक्ट है ना, परफेक्ट क्वालिटी मिलती है आपको। आप साइज ऑफ एंटीना आपका कम है, आप जो एंटीना की हाइट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलेशन की मदद से आप किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाते हैं तो वेवलेंथ डिफरेंट हो जाती है, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ एंटीना जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। जब हम दूसरी फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट होते हैं तो हमारे पास एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाती है। ठीक है, जब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाती है तो हम इंटरफेरेंस के बगैर हम आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैसेज सिग्नल एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल वेरिड टू द कैरियर सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन पर्पस। ठीक है, आपका जो मैसेज सिग्नल होता है उसको हम वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू कैरियर सिग्नल के, वो कैरियर सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करके हम उस कैरियर सिग्नल के ऊपर हम बेसिक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को चढ़ा के हम उस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करके मेन सिग्नल से हमें मॉड्यूलेशन मिलती है। बेस बैंड एंड कैरियर कम्युनिकेशन में क्या फर्क होता है ये देखते हैं ना। देखिए, बेस बैंड कम्युनिकेशन, अब कैरियर कम्युनिकेशन में ये होता है कि हम अपने सिग्नल को एक स्पेसिफिक बैंड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे देखिए एफएम होता है, होती तो हमारी वॉइस फ्रीक्वेंसी है लेकिन उसको हम 98 या 100 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, वो जो बैंडविड्थ होती है वो उसकी वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है एक्चुअली। ठीक है, अब 98.2 यानी कि हर 0.2 मेगाहर्ट्ज़ के बाद एक नया चैनल आता है तो 0.2 मेगाहर्ट्ज़ हर एक की बैंडविड्थ होती है। ठीक है, आप देखिए इस केस के लिए हमें एक स्पेसिफिक पावर यानी कि थ्रेशहोल्ड पावर चाहिए होती है कैरियर कम्युनिकेशन में, जबकि बेसबैंड कम्युनिकेशन के अंदर हम मॉड्यूलेशन नहीं करते, हम सिंपल जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है हम उसी को भेज देते हैं। ठीक है, जैसे ऑडियो सिग्नल होता है 0 से 3.5 किलोहर्ट्ज़ तक, टेलीफोन में हम वही भेज देते हैं। ठीक है, इसी तरह वीडियो के केस में जो उसका अपना सिग्नल होता है, जो उसकी रेंज होती है, वही वाला एज इट इज भेज देते हैं, जबकि कैरियर कम्युनिकेशन में हम कैरियर वाली फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हैं। ठीक है, बेस बैंड कम्युनिकेशन में मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट एनी मॉड्यूलेशन, और इसमें हमें डेडिकेटेड चैनल चाहिए होता है। बैंडविड्थ सिग्नल जो होता है उसमें ओवरलैप्स हो सकते हैं, इसमें इंटरफेरेंस हो सकती है, चैनल सोर्सेस को जाया हो सकते हैं, मॉड्यूलर नॉन शिफ्टिंग की वजह से ओवरलैपिंग हो सकती है बेस बैंड में ना। ठीक है, जब आप सिग्नल को दूसरी फ्रिक्वेंसी के ऊपर शिफ्ट नहीं करते तो हमें डेडिकेटेड चैनल चाहिए होता है, ओवरलैपिंग का मसला होता है, इंटरफेरेंस का मसला होता है, चैनल रिसोर्सेज का मसला होता है। ठीक है, आप और इसके अलावा इसके अगेंस्ट दूसरी तरफ देखा जाए तो कैरियर कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम बेसिक पैरामीटर्स जो हैं एम्पलीट्यूड हो गया या एंगल के अंदर फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों आते हैं, तो हम इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। जब कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो सारे पैरामीटर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू उस कैरियर के जो सारे पैरामीटर्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है और एक फेज मॉड्यूलेशन होती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो लीनियर मॉड्यूलेशन होती है, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन जो दूसरी है वो नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन होती है। फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन को हम एंगल मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ डिजिटल मॉड्यूलेशन होते हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होगी, पल्स पोजिशन होगी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन होगी और डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये सारी, ये जो नीचे वाली लाइन है ये सारी जो है ये डिजिटल मॉड्यूलेशन की टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी और फेज और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखते हैं ना।
एंगल मॉड्यूलेशन, ये जो है एनालॉग टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में एनालॉग टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है, एंगल के अंदर दो आती हैं, सबसे पहले नंबर पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में हम सिग्नल की सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं जबकि उसका एम्पलीट्यूड और फेज जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अब देखें, हमारा ये मैसेज सिग्नल है, इसको इस कैरियर के हिसाब से चेंज करना है। अब इस कैरियर के हिसाब से चेंज करना है तो जैसे जैसे आपने इसकी सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, ना इसका फेज चेंज करना है ना इसका एम्पलीट्यूड चेंज करना है। ये एम्पलीट्यूड देखें, इसका एम्पलीट्यूड और ये रिजल्टेंट सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, और ऊपर वाले और नीचे वाले में देखें कहीं पे फेज शिफ्ट नहीं आ रहा ना, मतलब जिस तरह से शुरू हो रही है उसी सीक्वेंस में जा रही है, ठीक है। इसके साइकिल्स पर सेकंड कहीं पे ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है जो कि फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फेज के अंदर कहीं डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये जीरो से मैक्सिमम तक जा रही है फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, मैक्सिमम से जब मिनिमम की तरफ जा रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, जब लोएस्ट लेवल के ऊपर है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। इसी तरह जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है सिग्नल तो फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है, जब ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंचे तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गई। इसी तरह जब ये रिड्यूस होते 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 कम होते होते तो यहां तक पहुंच जाता है तो फ्रीक्वेंसी फिर मैक्सिमम हो गई, ठीक है। यहां से फिर आगे बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी फिर कम होना शुरू होती है। देखिए सिग्नल यहां से शुरू हुआ इधर तक इंक्रीज करता गया, ठीक है, अब जो भी फ्रीक्वेंसी थी यहां पे वो फ्रीक्वेंसी कम होती गई यहां तक, ठीक है। ये देखिए यही वाला इस साइकिल का और इस साइकिल का थोड़ा फर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है पहले वाले से, ठीक है, मैक्सिमम तक पहुंच गया। जब मैक्सिमम यहां से लेकर यहां तक ये बिल्कुल एंड तक, ये देखिए ये सारा सिग्नल ये यहां पे डिक्रीज हो रहा है, जब इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी, इंक्रीज करना शुरू कर दी। लोएस्ट के ऊपर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो गई, फिर यहां से सिग्नल क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हो गया। इंक्रीज होते 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 यहां पे मैक्सिमम पीक तक चला गया, ठीक है, यहां पर फ्रीक्वेंसी मिनिमम आ गई। इसी तरह यहां कम होते नेगेटिव मैक्सिमम पीक तक आ गया, फ्रीक्वेंसी फिर मैक्सिमम हो गई। इस केस में फेज और एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहे। इसके एडवांटेजेस हैं कुछ, ठीक है, ये नॉइज रेजिस्टेंट होती है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम जो है एम्पलीट्यूड नहीं चेंज कर रहे होते, जब एम्पलीट्यूड नहीं चेंज कर रहे होते तो उससे नॉइज निकालना आसान होता है, ठीक है, तो नॉइज रेजिस्टेंस इस वजह से भी होती है। दूसरा, हम इसके इसमें जब एम्पलीट्यूड हमारा इस केस में कांस्टेंट होता है तो इसमें से नॉइज जो है वो निकालना सिस्टम से अटेनुएट करना आसान होता है। दूसरा, इसका ट्रांसमिशन रेट ज्यादा होता है, ठीक है, अब इसमें ट्रांसमिशन जो है इसका डाटा आपका ट्रांसमिशन रेट ज्यादा होता है जिसकी वजह से वॉइस क्वालिटी बेहतर होती है। इसमें एक कैप्चर इफेक्ट होता है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर देता है और लोअर फ्रीक्वेंसी को या वीक फ्रीक्वेंसी को डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है, उससे हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, देखें इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो ट्रांसमीटर होता है वो निस्पतन हमारा लेस कम्प्लेक्स कह दें होता है, मतलब सिंपल होता है, लेकिन इसका जो रिसीवर होता है वो ज्यादा कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब इसकी मदद इसका रिसीवर कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें और मसला होता है, इसकी मदद से हम स्पीड और वेलोसिटी नहीं चेक कर सकते। इसके अलावा इसमें क्रॉस टॉक का कुछ केस मसला आता है, इसमें बैंडविड्थ आपकी लिमिट होती है, बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में देखें हमारा दो चैनल्स के बीच में एक चैनल हमें फ्री छोड़ना पड़ता है। जैसे देखें 98 हर्ट्ज के ऊपर अगर एक चैनल बनाया तो दूसरा 98.2 मेगाहर्ट्ज के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर 106 पे बनाया तो अगले वाला 106.2 पे बनाएंगे, यानी कि इंटर सिंपल इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए हमें हर दो चैनल्स के बीच में एक चैनल फ्री करना पड़ता है। इसकी एप्लीकेशन ज्यादातर रेडियो में इस्तेमाल की जाती है, वीसीआर में इस्तेमाल किया जाता है, टेप्स में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो ये हो गए ना, फेज मॉड्यूलेशन देखते हैं। देखिए फेज मॉड्यूलेशन के केस में हम सिग्नल का सिर्फ फेज चेंज करते हैं और हम फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखते हैं और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। फिर फेज मॉड्यूलेशन में सिर्फ हम सिर्फ सिग्नल का फेज चेंज करते हैं,
क्योंकि ये एंगल मॉड्यूलेशन की टाइप है, तो उसमें हम सिस्टम के एंगल के साथ करते हैं। ठीक है, एंगल मॉड्यूलेशन में दो तरह की मॉड्यूलेशन होती है, एक फेज मॉड्यूलेशन और दूसरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है और फेज कांस्टेंट रखना है, और फेज के केस में हमने फेज कांस्टेंट रखना है, फेज चेंज करना है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, और एम्पलीट्यूड दोनों के केस में कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसकी डायग्राम देखते हैं। अब ये देखें, ये एक लेवल के ऊपर है, इसके बाद इंक्रीज करता गया, इंक्रीज करता गया, मैक्सिमम तक पहुंच गया। ये मैक्सिमम लेवल आ गया, इसके बाद जहां से सिग्नल के अंदर क्या चेंज शुरू हुआ, यहां से इधर तक इंक्रीज करता गया। अब इंक्रीज के बाद जहां डिक्रीज हुआ, इंक्रीज के बाद जहां डिक्रीज हुआ, तो हमने सिग्नल का क्या किया, यहां से सीधा ऊपर चढ़ना था, हमने इसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर दिया। यहां इंक्रीज के बाद जब डिक्रीज हुआ जिस जगह से, उसके ऊपर हमने क्या किया, फेज चेंज कर दिया। अब ये डिक्रीज होता गया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब यहां डिक्रीज के बाद, यहां डिक्रीज होता गया मिनिमम लेवल तक पहुंचा, डिक्रीज के बाद जब फिर इंक्रीज हुआ, तो हमने फिर यहां पे फेज चेंज कर दिया। ये देखिए, यहां पे फिर फेज चेंज कर दिया। अब फिर इंक्रीज करता गया मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा, जब मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा तो फिर यहां से इंक्रीज से जब डिक्रीज हुआ, तो हमने सिग्नल का फिर यहां फेज चेंज कर दिया। इसी तरह यहां कम होते होते इस लेवल तक आ गया, फिर डिक्रीज से फिर इंक्रीज हुआ, तो यहां हमने फेज चेंज कर दिया। ठीक है, एक दो तीन चार पॉइंट है जहां के ऊपर फेज चेंज किया, एक दो तीन और चार। ठीक है, इस केस में सारों की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, देखिए ना, साइकिल पर सेकंड सारों के कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। देखिए ना, ऊपर से पॉजिटिव एम्पलीट्यूड सारों का एक जितना, नेगेटिव एम्पलीट्यूड भी एक जितना है। तो फेज के केस में सिर्फ फेज चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है और एम्पलीट्यूड को भी कांस्टेंट रखना है। फ्रीक्वेंसी मॉडल फेज मॉडुलेशन के मोर और लेस एडवांटेजेस वही होते हैं कि जो हमारे फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन के होते हैं, लेकिन इसको हम पीएसके के केस में, एफएसके के केस में इस्तेमाल किया जाता है ना, फेज शिफ्ट किंग के केस में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, इसका एडिशनल एडवांटेज। एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन क्या चीज होती है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम सिग्नल का क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसकी रेंज होती है 535 से 1705 तक। अब इस केस में एक मसला ये होता है कि हमें 15 किलोवाट्स का अगर सिग्नल ट्रांसमिट करना है, तो हमें 30 किलोवाट्स की बैंडविड्थ चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि सिग्नल जब डबल हो जाता है एम्पलीट्यूड के केस में, तो हमें बैंडविड्थ डबल चाहिए होती है। एम्पलीट्यूड में क्या करना है, सिंपली सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज करें। देखिए, इसका एम्पलीट्यूड और इसके एम्पलीट्यूड में फर्क है, इसके और इसके एम्पलीट्यूड में फर्क है, इसके भी एम्पलीट्यूड में फर्क है ना। जब सिग्नल बढ़ता गया तो हम एम्पलीट्यूड बढ़ाते गए यहां तक। अब इसके बाद जब सिग्नल कम हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक कम हो रहा है, तो हम सिग्नल का क्या करें, एम्पलीट्यूड भी आस्ता आस्ता कम करें। जब सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहां से मिनिमम आ गया, तो इस लेवल के ऊपर हमने एम्पलीट्यूड मिनिमम कर दिया। अब फिर सिग्नल बढ़ना शुरू हो गया, जब सिग्नल बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गया, तो हम भी एम्पलीट्यूड बढ़ाते 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 मैक्सिमम तक ले गए। ठीक है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो या नेगेटिव एम्पलीट्यूड हो, बराबर ही होते। अब यहां पे मैक्सिमम आ गया, फिर उसके बाद सिग्नल कम होना शुरू होते 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 पे ये मिनिमम तक आ गया, तो हम एम्पलीट्यूड भी कम करते 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 मिनिमम तक आ गए, फिर थोड़ा सा बढ़ा तो हमने उस लिहाज से बढ़ा दिया। इस केस में एम्पलीट्यूड के केस में फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों कांस्टेंट हैं। देखिए, फ्रीक्वेंसी साइकल्स पर सेकंड भी कांस्टेंट है, और कहीं पे इसके अंदर डिस्कनेक्शन या कहीं एंगल चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस हैं, लो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती है, कॉस्ट इसकी कम होती है, रिसीवर इसके आसान होते हैं। ठीक है, जो जीरो क्रॉसिंग है वो इक्वल डिस्टेंस होती है। देखिए ना, पिछले केस में देखें, यहां पे बराबर बराबर के फासले पे जीरो क्रॉसिंग हो रही है, और इसमें बैंडविड्थ जो है वो लिमिट होती है। बैंडविड्थ लिमिट्स का एक एडवांटेजेस भी है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी है कि हमें साइड बैंड ट्रांसमिट करने पड़ते हैं, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है। ठीक है, इसकी जिसकी वजह से इसमें डेटा लॉस आता है। इसका इस्तेमाल पुराने टेलीफोनों में था, ठीक है, एविएशन के अंदर और रेडियोस के अंदर था। ठीक है, करंट
ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।